गेट अप बडी, इट्स 4:30 AM। हमारा प्लान क्या डिसाइड हुआ? आज हम घूमने जाने वाले हैं गांव। अभी हम अपने दो दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि 4:30 बजे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक नहीं आए। अस्सलाम, क्या कर रहे हो यार? जारी साफ कर रहे हैं। ये हमारे आज के होस्ट हैं और हम इनके गेस्ट। इतना इंतजार क्यों कराया हमें? हमें क्या पता आपने आना नहीं आना। मैं कंफर्म कर रहा था कि आप जब आ जाएंगे फिर हम तैयार होंगे। अच्छा, बड़े लोग महफिल में लेट ही आते हैं। मुझे भी दो बिस्किट, मुझे भी खाना है। थैंक यू। भाई तेरी गाड़ी साफ हुई कि नहीं हुई अभी तक? जल्दी यार, तुम कैसे हो हमारे यार? हमें तुम वेट कराई जा रहे हो यार। गंदी हो जाएंगे, छोड़ दे बस। पहले बहुत साफ थी यार। ये गाड़ी साफ हो रही है किसके लिए? दोबारा गंदी होने के लिए ये गाड़ी जोरों शोर से साफ की जा रही है। अभी ना अली ने गाड़ी साफ कर ली, तो जरा इंस्पेक्शन कर ले कैसी गाड़ी साफ की। जरा बॉय ने पूरी गाड़ी साफ की है सिवाय अपने शीशे के। वाह वाह वाह। ये बच्चा हर बात में कहता है कि मेरी पूरी जिंदगी उस काम में गुजर गई है। अपने गांव का रास्ता तुझे याद नहीं आ रहा? भाई जान, याद है, ये देख तू सीधा यहां से गांव ना लेके जा, नाम बदल दे। अच्छा, तो सफर शुरू करने से पहले यार अपना पेट्रोल और गाड़ी के टायर की हवा जरूर चेक कर ले। तो बाकी ठंडी हवा है तो लव हो जाए। कारपेट रोड है तो हम आपको दिखाते हैं कारपेट रोड कैसी है। कारपेट ही आ रही है, देख कौन सी क्या है ये? भाई मोटर वाला ठेका ले रहे हैं। अच्छा, तेरे गांव में? मेरे गांव में। ओ, ये कारपेट रोड, ये अली का गांव ज्यादा दूर नहीं है। हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, ठंडी मजे की हवा चल रही है इस टाइम। हो, मैं गिरने लगा हूँ। अच्छा, तो यार ये तो मैं गांव में, मैं वैसे घुमा नहीं हूँ गांव, ठीक है। ये आप समझ लें कि मेरा फर्स्ट टाइम ही है कि मैं एक गांव में ज़्यादा देर स्टे करने वाला हूँ। मैंने गांव सिर्फ इतने ही देखे हैं कि गाड़ी पे आप जाते हो तो रास्ते में पता चल जाता है यार ये एरिया गाँव का है। यहाँ से अमरूदों का बाग स्टार्ट हो जाता है, इसका टेस्ट बहुत मजे का होगा। अच्छा जी, तो हम करेंगे टेस्ट अमरूद का। इसका टेस्ट इतना मजे का कि आपकी सोच है। मुझे तो बहुत अच्छा टेस्ट लगा, आपको कैसा लगा? फसी टेस्ट तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा। इस घोड़ी का नाम है नाजनी। ये बहुत अच्छी है, इसके ऊपर सवारी आप इजीली कर सकते हैं। चिकनी आई है वाह। जो कि बात सुन, इस अली का जो सबसे स्पेशल घोड़ा है उसका नाम क्या? आए आपको सुल्तान से मिलाते हैं। इस टाइम सुल्तान थोड़ा गुस्से में है। भाई मुझे राइडिंग नहीं करनी, मैं जख्मी हूँ। क्या बाजू पहले टूटा हुआ? हाँ, तो अगर मैं अभी अभी और राइडिंग करता हूँ अली के कहने पे तो क्या होगा? खत्म। यार हमारे साथ एक बैड लक हो गया है, सुल्तान किसी को बैठने नहीं दे रहा, वो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो रहा है। अली ने चैलेंज किया है कि मैं सुल्तान के ऊपर आराम से बैठ जाऊंगा। ऑल्दो ये चैलेंज कम्प्लीट होता नजर नहीं आ रहा हमें। साहब अली तो अपनी बात का पूरा उतर रहा है यार। बैठ गया घोड़े पे भाई, वो किसी को नहीं बैठने दे रहा था। अली बैठ गया, वाह भाई। घोड़ा पकाया, ये तेरे ख्याल क्या रिव्यूज देता है इस बारे में? मेरे यहाँ इस घोड़े को ये जो मैंने पकाया है ना, है ये बहुत हाई लेवल है।
भाई ये तो मार रहा है यार, तो बैठ सीन हो गया हमारी दफा तो। अदनान भाई ये मुझे करा रहे हैं शेयर। के लिए हम लोग थक भी गए हैं तो चाचा जी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, चाचा जी एक स्पेशल गाड़ी पे सफर करते हुए। दिस इज कॉल्ड विलेज लाइफ, दिस इज कॉल्ड लाइफ लाइफ। यार इस तरह ही बस हमने पूरा दिन ऑलमोस्ट गांव में गुजार दिया। अरे भाई रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मसल एंटरटेनमेंट तो तुम लोगों ने देखी है।